दिवाली वो त्योहार है जिसका इंतजार मैं पूरे साल करती हूँ। रंगीन लाइटें, हर घर रोशनी से सजा हुआ, दीयों से जगमगाता हुआ, पटाखों का शोर शराबा, अच्छी अच्छी पकवान और सबसे खूबसूरत बात, पूरा परिवार साथ बैठ के भगवान के सामने सर झुकाकर आशीर्वाद मांगता है। बड़ों से झोली भरकर प्यार और आशीर्वाद लेना और ढेर सारी मिठाइयाँ खाना, बचपन से अब तक यही रिवाज को मनाते हुए आज मैं यहाँ आप सबके साथ दिवाली मना रही हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ। कुछ पल जिंदगी के आज जो मेरे साथ है वो मेरे बहुत ही करीबी एक खास इंसान है, जिन्होंने सालों से, जब से शायद मेरी शादी हुई है तब से, हर दिवाली पर हमारे घर पे आए हैं और हमारे साथ दिवाली की खुशियां मनाई हैं। माय फेवरेट म्यूजिक कंपोजर्स फ्रॉम द म्यूजिकल ड्यूओ साजिद वाजिद, जिनको मैं प्यार से वाजिद भाई कहती हूँ, वाजिद शराफत खान। वेरी वेल सर, शराफत के बिना नाम अधूरा हो जाता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं इस नाम में और सब कुछ इसमें ही छुपा हुआ है। खैर, हैप्पी दिवाली टू यू एंड एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग। आई एम वाजिद ऑफ साजिद वाजिद एंड ये मुझे नाम बहुत पसंद आया। सबसे पहले ये कहूँगा कुछ पन्ने जिंदगी के। थैंक यू। कुछ पन्ने जिंदगी के एक मुख्तसर सी मुलाकात है आपकी हमारी, और इसके अंदर कुछ पन्ने ही डिस्कस हो जाएं यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी तो एक इटसेल्फ में दरिया है। हाँ जी, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले आपके बचपन के पन्ने से। पापा जो है बहुत मशहूर तबला प्लेयर हैं जी, रादर थे, मेरे मुंह से है ही निकलता है क्योंकि अच्छा है, वो अच्छा है बिल्कुल, ये तरीके से वो है हमारी हाँ। जिंदगी में माँ बाप एक ऐसी चीज होती है, नहीं रह के भी रहते हैं आपकी जिंदगी में। ऑब्वियसली आपकी जो छवि जो होती है बचपने में जो सीज दी जाती है वही टिल द टाइम यू आर अलाइव वो रहता है। आई थिंक उनका बिल्कुल वो है। मुझे याद है जब मैं पहली बार उनसे मिली थी, तब से लेके जब मैंने लास्ट भी मैं जब उनसे मिली थी, उनका जो एक पर्सनालिटी और उनके खड़े होने में जो एक स्टाइल था, सीधे खड़े होते थे हमेशा। मुझे बचपने से याद आया, मैं जब बैठता था तो कूप निकाल के बैठता था। हंचबैक होता है, चाटे पड़ते थे हाँ। माय फादर ऑलवेज ऐसे करके पाट मारते थे, सीधे बैठ कूप निकल जाएगी। बोले काम ऐसे करो कि हमेशा आपका सीना चौड़ा रहे और सर उठा के जियो, मतलब कभी भी आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो यू नो ही ऑलवेज टॉट अस कि ये तरीके से जिंदगी जी जाती है। एंड आज जब वो हमारे साथ नहीं है तो उनकी बातें और याद रहती हैं। यू नो रियाज करते टाइम भी वो पीठ पे ऐसे मार के कहते थे कूप निकल जाएगा, सीधा बैठ के क्या करो हाँ। आदमी बुरा लगता है, ऐसे ऐसा बैठा हुआ कैसे गिटार लेके बैठेगा हाँ। अजीब सा लगेगा यू नो हाँ। सारे भाई जो है किसी ना किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से खुद को आप लोगों ने बचपन से ही जोड़ लिया था। फैमिली का जो इन्फ्लुएंस है वो जरूर है, और हम लोग बहुत लक्की है कि हमारी पैदाइश ऐसी फैमिली में हुई और हमारे माँ बाप दोनों ही म्यूजिकल फैमिली से हैं। सो हमको दोनों ही तरफ से विरासत में मिला है। मेरी नान का भी म्यूजिक में है, दाद का भी म्यूजिक में। माय दादा वाज अ वेरी वेल नोन तबला प्लेयर, उस्ताद अब्दुल लतीफ खान साहब। एंड देन माय नाना वाज वेरी बिग मेस्ट्रो ऑफ किराना घराना, पद्मश्री उस्ताद फैयाज अहमद खान साहब, नियाज अहमद खान साहब। और भी काफी हमारे खानदान के एक फैमिली ट्री जो है उसमें नाम देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कौन कौन क्या शख्सियतों ने सीखा है। तो जब हम लोग व्हेन वी ग्रोइंग अप ऐसा कुछ नहीं था कि म्यूजिक ही करना है। कहते हैं ना मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, ये वाकई कहीं ना कहीं खून की बात में होता है। साजिद भाई की तबीयत खराब थी इसलिए वो आज मेरे साथ मेरे शो पे शामिल नहीं हो पाए, पर वाजिद भाई से खूब सारी बातें और बचपन के कुछ याद भरे पन्ने कुछ ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।